According to section 11, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of the sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. This section three aspects. Ke baat hai. Number 1, attaining the age of majority, number 2, being of sound mind, and number 3, not disqualified from entering into a contract by any law. दैट ही इज सब्जेक्ट टू आइए अब इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले आता है अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी 18 इयर्स है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एक पर्सन को 18 इयर्स और अब होना जरूरी है अगर उसकी एज एक दिन भी कम होती है फ्रॉम 18 ईयर्स तो उसे डिसक्वालीफाइड माना जाएगा फ्रॉम एंट्रिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉम बींग पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्सन जो इंडियन डोमिसाइल है और एटीन ईयर्स का नहीं है तो उसे माइनर माना जाएगा आइए अब एक बार माइनर की पोजिशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं अ कॉन्ट्रेक्ट मेड विद माइनर इज वॉर्ल्ड क्योंकि माइनर की एज एटीन ईयर से कम होती है एंड उसके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो उसके साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉर्ड एब इनिशियो होगा मतलब वॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको रोहित सेवनटीन ईयर्स एंड सिक्स मंथस का है एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जाना चाहता है तो वो क्या करता है एक मनी लेंडर से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का लोन लेता है एंड एज अ सिक्योरिटी वो कुछ पेपर साइन करता है एंड अपना लैपटॉप एंड मोटरसाइकिल मोर्गेज कर देता है मोटगेज मतलब गिरवी रखना अब सिक्स मंथ्स के बाद वो एटीन ईयरस का हो जाता है एंड अब वो एज ऑफ द दिटी अटेन कर लेता है अब रोहित जो है सूट फाइल करता है अगेंस्ट द मनी लेंडर एंड उसमें वो कहता है कि उसने जो लैपटॉप एंड मोटरसाइकिल मोर्टिगेज खरीदी थी वो तब करी थी माइनर था एंड उस मोर्टिगेज को वर्ल्ड माना जाएगा एंड रीपेमेंट ऑफ लोन शुड बी कैंसल तो आप लोग सोचिए कोर्ट क्या करेगा कोर्ट जो है रोहित के फेवर में डिसीजन लेगा क्योंकि रोहित जो है उस टाइम माइनर था एंड उसके साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रेक्ट वॉल्ड होगा

राजा रणवीर का नेचुरल गार्जियन है तो वो श्याम के खिलाफ सूट फाइल करता है फॉर रिकवरी ऑफ हिज मनी एंड कोर्ट होल्ड्स द केस क्योंकि एक माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद रखना एक माइनर को हमेशा बेनिफिट मिलता है ऑफ बीइंग अ माइनर अगर कोई भी माइनर अपने आप को फॉल्सली एज अ मेजर रिप्रेजेंट करके कोई भी लोन ले, ले लेता है एंड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो ही कैन प्लीड माइनॉरिटी माइनर के खिलाफ रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई नहीं किया जा सकता ए स्टॉप इज देट रूल विच प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम कॉन्ट्रट वॉज अर्स हिम इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड एक और बात याद रखना कि जो मैंने अभी लाइन बताई कि भाई माइनर को माइनॉरिटी का फायदा मिलता है अब ये नहीं कि इससे पता लग गया माइनॉरिटी का फायदा लगता है चलो माइनर बनकर किसी से भी लोन ले लेते हैं ले, ले वो ले लेते ले 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 हैं और हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये ध्यान रखना ऐसा कुछ भी नहीं करना है अब आइए आगे देख अब आता है कॉन्ट्रेक्ट बाय गार्जियन कुछ सिचुएशंस में माइनर का गार्जियन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर की बेनिफिट के लिए होना चाहिए एंड इट कैन ऑल्सो बी एनफोर्स बाय द माइनर लेकिन गार्जियन जो है वो माइनर को बाइंड नहीं कर सकते बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बट अगर एक सर्टिफाइड गार्जियन ऑफ अ माइनर जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है वो विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी अब बात आती है इंसॉल्वेंसी की एक माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं कहा जा सकता बिकॉज ही कैन नॉट अवेल डेप अगर माइनर की प्रॉपर्टी के कुछ ड्यूज पेंडिंग है तो भी माइनर को पर्सनली लाइबल नहीं माना जा सकता और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसमें ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एन एडल्ट अगर एक एडल्ट और माइनर जॉइंटली एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो जो माइनर की तरफ से उसका गार्जियन एग्जीक्यूट करता है उस टाइम पे भी लाइबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल फॉल ऑन द एडल्ट एडल्टे तो बात हो गई पहले एस्पेक्ट की एंड माइनर पोजीशन की अब हमारा दूसरा एस्पेक्ट आता है पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवन का सेक्शन ट्वेल्व बोलता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी बनने के लिए एक पर्सन को साउंड माइंड का होना जरूरी है साउंड माइंड का मतलब होता है कि एक पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को समझने में एंड वो जानता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद क्या क्या इफेक्ट उस पर पड़ेगा एंड क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज हो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर कोई भी एक पर्सन नेचुरली अनसाउंड माइंड का होता है एंड कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है तो जब भी वो साउंड माइंड का होता है उस टाइम वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता अब हमारा तीसरा और आखिरी एस्पेक्ट आता है पर्सन। माइनर और अनसाउंड माइंड के अलावा कुछ और लोग भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते मतलब हु डू नॉट द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिस्कालीफिकेशन के बहुत रीजन हो सकते हैं जैसे कि पॉलिटिकल स्टेटस लीगल स्टेटस एटसेट्रा कुछ और लोग भी होते हैं जैसे फॉरन सॉवर एलियन एनिमी इंसॉल्वेंट्स इंस्टॉल ये सब जो लोग हैं ये एंटर नहीं कर सकते इनको डिसक्वालीफाइड पर्सन माना जाता है तो ये था कैपेसिटी ऑफ अ अ पर्सन टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स पोजिशन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे को आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय